हेलो फ्रेंड्स, एसटीडी दर्शन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आपको गुणा करने का शानदार ट्रिक बताते हैं। कोई भी दो अंक का डिजिट है उसको एक लाइन में गुणा कैसे कर पाएंगे, एक लाइन में आइए आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या है दो अंक का, इसी का गुणा करना है। 26 में गुणे 63 का गुणा करना है। ठीक है, इसको गुणा करने के लिए बस तीन स्टेप करना होता है, डायरेक्ट एक लाइन में आपको आंसर दे देगा। तीन स्टेप क्या क्या है, पहला स्टेप यह है, दूसर का स्टेप ऐसे है, क्रॉस गुणा करना है, तीसर का स्टेप सीधे सीधे। तो पहले सीधे सीधे हम गुणा करेंगे, तो यहाँ तिछक 18, 18 की 8, हासिल लगा कितना, 1। अब क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करने के बाद जोड़ना है, जैसे यहाँ 3 दूना 6 और 6 6 36, 36 और 6 को जोड़ देंगे, 36 6 कितना हो जाएगा 42, 42 में 1 जोड़ेंगे 43, हासिल कितना लग जाएगा 4। अब सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 12 4 16, आपका एक लाइन में गुणा हो गया। ठीक है, आपको ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप कैलकुलेशन अगर आ जाता है, दो अंक के डिजिट का गुणा करना आ जाता है, तो आप एक लाइन में उसको गुणा करके सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कोई भी संख्या दो अंक का हो, दूसरा लेते हैं, दूसरा ये है, जैसे संख्या है आपको गुणा करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला स्टेप था सीधे गुणा करना, दूसरा का स्टेप है क्रॉस गुणा करके दोनों को जोड़ना है, तीसरा का स्टेप है सीधे गुणा कर देना है। तो यहाँ से गुणा करिए, 9 8 72, हासिल कितना लगा 7, 9 7 63, 63 और 8 64, 63 और 64 जोड़ेंगे तो 63 का डबल कर दो, प्लस 1 कर दो, 63 दूना कितना होगा 126, 26 और 64 था ना, 126 एक 27 हो जाएगा, 27 और में 7 जोड़ दो 134 हो जाएगा, 134 की 4 हासिल कितना लग जाएगा 13। अब 8 7 56, 56 में 13 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 69, 56 में 13 जोड़ देंगे 69 आ जाएगा, आपका गुणनफल आ गया एक लाइन में। ठीक है, ऐसे आप कोई भी दो अंक डिजिट है गुणा कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे दिया, पूछ आपको गुणा करने के लिए यही आ गया। ठीक है, 58 गुणे 79, 79 गुणा करिए, पहला स्टेप है सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, 9 8 72, हासिल 7, 9 5 45 और 7 8 56, 56 और 45 कितना होगा 50 और 40 90, और 6 5 11, 90 में 11 जोड़ देंगे 101, 101 में 7 जोड़ देंगे 8, 108 10 हासिल हो जाएगा, और 7 5 35, 35 10 45, गुणनफल आ गया। अगला क्वेश्चन जैसे गुणा करना हुआ आपको, 79 में 98 का गुणा करना हुआ। ठीक है, एक लाइन में गुणा करिए, एक लाइन में करेंगे 8 9, पहला स्टेप 8 9 72, हासिल कितना लगेगा 7, 8 7 56, 9 9 81, 81 और 56 जोड़ेंगे कितना आएगा, जो बाद वाला रहता है, जैसे 81 56 जोड़ना हो आपको ना, तो बाद वाला छोड़ दीजिए, पहले वाला जोड़ लीजिए, 8 5 13 130 हो रहा है, बाद का जोड़ दीजिए, 130 में 7 जोड़ेंगे 137 हो जाएगा, 137 में 7 जोड़ेंगे 144 हो रहा है, 14 हासिल लग जाएगा। ठीक है, और 9 7 63, 63 में 14 जोड़ेंगे 77 आ गया। ठीक है, ऐसे आप आसानी से गुणा कर सकते हैं, कोई भी दो अंक का डिजिट है आप बहुत जल्दी से इसको गुणा कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इसका गुणा करना हो तो आप क्या करेंगे, 7 9 63, 63 6 हासिल और 8 7 56, 56 और 9 6 54, 56 और 54 को जोड़ेंगे तो क्या बताया, जोड़ने के लिए 56 और 54 जैसे जोड़ रहे हैं, इधर का जोड़ लीजिए 100 आ रहा है, और उसके बाद इधर का जोड़ लीजिए 100, और इसको जोड़ेंगे 10 आ रहा है, 100 और 10 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, 110 में 6 जोड़ेंगे 116 हो जा रहा है, 11 हासिल हो जाएगा, 8 6 48, 48 में 11 जोड़ना है, 48 10 58, 58 1 59, आपका आ गया एक लाइन में। ठीक है, आप इस ट्रिक से बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दो अंक का प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।